सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज में सामान्य परिचय देखेंगे जो आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, जो आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें राज्य की बात करें तो इसका नाम उत्तर प्रदेश है और राज्य का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो 31 है। राज्य की चिन्ह क्या है? कमेंट सेक्शन में, कमेंट से डायग्राम होता तो मैं आपको बता देता। वैसे आप लोग को बताइए जरा इसका राज्य की चिन्ह क्या है। इसका राज्य की चिन्ह मछली, आपने देखा होगा ऐसे तीर धनुष और मछली बनी होती है, वैसे इसके जो थंबलेन होगा ना उस पर आपने यूपी का देखा होगा। राज्य की पुष्प की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका? पलाश। राजधानी लखनऊ। राज्य दिवस की बात करें तो 24 जनवरी। राज्य की 25 सारस अथवा क्रोच। राज्य की जो वृक्ष है वो अशोक है। राज्य की जो वृक्ष है वो क्या है आपका? अशोक है। क्या आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो मैं बार बार कहूंगा कि देखिए आप लोग पूछते जरूर चलेगा। अब यहाँ पूछा है राज की पशु क्या है, जरा बताइए राज की पशु क्या है? तो 12 सिंगा। राज की पशु क्या है? यहाँ पे 12 सिंगा है, यहाँ पे देखेंगे 12 सिंगा। राज की खेल जो है वो आपका हॉकी है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा पहले हिंदी थी, ठीक है, संविधान के समय से, और दूसरी जो राजभाषा थी 1989 से, 1989 से दूसरी क्या थी? उर्दू थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल 18 मंडल है। ये परीक्षा के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। अगर मंडल की हम बात करें तो कुल कितने मंडल हैं? यहाँ पे कुल 18 मंडल है। आगे बढ़ कुल जनपदों की संख्या बात करें तो कुल जो जनपद है उनकी संख्या कितनी है? 75। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 प्लस एंग्लो इंडियन। अब वैसे यह एक के लिए जो है स्टार लगा के शर्तें लागू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 99। एक के लिए हम आगे बात करेंगे तो 100 है, मतलब यहाँ पर कितनी है? 100। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितने थे? 403 प्लस 1 404 है। ठीक है, कितने हैं? 403 प्लस 1 एग्लो इंडियन है, तो यहाँ पर इसके लिए भी स्टार लगा के शर्तें लागू है। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए? 403 प्लस 1। तो यहाँ तक का जो आपको कॉन्सेप्ट था वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 19,98,12,341 पुरुषों की बात करें तो 10,44,80,510। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ मेल है, ये मेल हो गया और ये फीमेल है, 9,53,31,831 है। लिंगानुपात काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की एक अलग से सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे जहां पर हम उत्तर प्रदेश जनसंख्या जुड़े सभी तथ्यों को पढ़ लेंगे। यहां पर हम बात करें तो 912 महिला है 1,000 पुरुषों पर, मतलब कितनी है? 912 महिला लिंगानुपात है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है, तो आप चाहे इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को, इस मित्र को देख रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ पर है 4,13,57,608। अनुसूचित जाति की अगर पुरुष की जनसंख्या की बात करें 2,16,76,975 है। आगे हम बात करें अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या तो यहाँ पर 1,96,80,633 है। कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 20.7% है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या देखा जाए तो 11,34,273 है। अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,81,083 है। अनुसूचित जाति की महिला जनसंख्या अगर हम बात करें तो 5,53,190 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 0.6% है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम और महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें प्राकृतिक प्रदेश, तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें इसमें है आपका गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो आपके परीक्षा के लिए अहम, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे इन सभी नदियों के बारे में हम लोग क्रमवार से पढ़ेंगे जब मैं यूपी स्पेशल में आगे में उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे भौगोलिक परिचय में। प्रमुख फसलों की बात करें गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों है।
अगर हम बात करें गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है, सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो ये दोनों चीज ऐसी है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं एकदम सीधे सीधे, इसलिए इन सभी तत्वों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे अगर हम बात करें प्रमुख फल की, तो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और सप्तालू आदि हैं। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है देश में, माने भारत की बात करें तो। उद्योग धंधों में देखा जाए, चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि है। उद्योग धंधों में अगर हम कुटीर उद्योग की बात करें तो यहाँ पर है सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल, कलाई के बर्तन, इत्र, तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर। अब बताइए सूती वस्त्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पीतल कलाई के बर्तन के लिए कौन सा, इत्र नगरी किसे कहते हैं, ताले की नगरी किसे कहा जाता है, चाकू नगरी किसे कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है और मैं चाहूंगा जहां पे मेरा सवाल हो उसके भी जवाब देते चले। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख कारखाने हैं, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो यहाँ पर क्या है यह है आपके कानपुर में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी इलाहाबाद रायबरेली में, नैनी में है और रायबरेली में है जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, त्रिवेणी स्ट्रक्चर नैनी इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है प्रयागराज। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में और इलाहाबाद में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहूंगा ये परीक्षा अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे इसकी एमसीक्यू की सीरीज भी होगी और ये थ्योरी की सीरीज है जो आपको डे बाई डे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर मिल रही है। अब हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है भारत पंप एंड कंप्रेशर, ये कहाँ पर है, नैनी प्रयागराज में है, आयुध उपसकर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है, अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है, सीमेंट कारखाना चुर्ग डल्ला सोनभद्र में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है, मथुरा तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना बिना स्पेस के दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सभी क्लास और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे घर बैठे। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों लखनऊ में है। मैं चाहूंगा इसकी सभी की स्क्रीनशॉट आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय, ये भी परीक्षा के लिए काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद इलाहाबाद प्रयागराज 1887 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर 1957, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965, चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ 1965। आप इसकी स्क्रीनशॉट फुली अपने पास रख लीजिएगा। हम और आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि योग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974, आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1974, महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975, दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा 1981। इन सभी की स्क्रीनशॉट अपने पास आप रख लीजिएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ 1989, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर 1998, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद सन 2000। तो इस सभी के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ 2001, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ सन 2005, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ सन 2010। इन सभी की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपके परीक्षा में आते कूट वाले सवाल आते हैं, मिलान करने वाले सवाल आते हैं, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, इस तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
राज्य कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 इटावा व आगरा में है। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 सोनभद्र मिर्जापुर में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 गोंडा और बहराइच में है। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार 1987 महराजगंज में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 बांदा में है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और आगे हम देखेंगे। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 चंदौली में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 ललितपुर में है। पीलीभीत वन्यजीव विहार 2014 पीलीभीत में है। इन सब की स्क्रीनशॉट अपने पास आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नगर उनके उपनाम इलाहाबाद, ठीक, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, जिसे संगम नगरी कहते हैं, मथुरा को कृष्ण नगरी, आगरा को ताज नगरी, अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल, अलीगढ़ को ताला नगरी, कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी भी कहते हैं, लखनऊ नवाबों का शहर, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। आप चाहते हैं घर बैठे नोट्स प्राप्त करना, इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बदले गए नाम, मुगल सराय जंक्शन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्याबाद। आगे है प्रमुख खनिज, हीरा बांदा मिर्जापुर, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा, बॉक्साइट राख फॉस्फेट बांदा, पायराइट्स एस्बेस्टस मिर्जापुर, यूरेनियम तांबा ललितपुर, जिप्सम हमीरपुर झांसी, बैराइट्स एवं एंडालोसाइट मिर्जापुर और सोनभद्र। इसकी आप लोग इसकी शॉट अपने पास रख लें। अगला है बहुदेशी योजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, रेहनबाद परियोजना रेहन नदी पर है, ओबरा जल विद्युत गंडक परियोजना, इन सभी को ये बहुदेशी योजना, इनको नदी किस किस नदी पर बनी है, आगे हम लोग इस पर भी जिक्र करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके आगे सीरीज में है और क्रमवार मानचित्र पर भी देखेंगे। नदियों किनारे कुछ बसे नगर, आगरा यमुना, लखनऊ गोमती बटेश्वर यमुना, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है जिसका नाम प्रयागराज है, कानपुर गंगा, वृंदावन यमुना, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना, राजघाट गंगा, जौनपुर गोमती नदी, वाराणसी गंगा नदी, हमीरपुर यमुना नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, गाजीपुर गंगा नदी। आगे है आपके पास महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान जी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचला कृपलानी जी थी। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर में दिया था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1987 मेरठ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ भाई पटेल जी थे, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश मात्र आणविक परियोजना नरौरा बुलदेन बुलंदशहर में है। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर में है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्सा था जो अब एक जिला हो गया है। काशी विद्यापीठ पठन पाठन 1921 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। प्राचीन काल में कन्नौज को कानबुज के नाम से प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का इतिहास, मिर्जापुर बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन जो पाषाणकालीन औजार हथियार मेरठ आलमगीर में जो हड़प्पाकालीन वस्तुएं मिली हैं उसमें यह ज्ञात होता है कि यह इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। कुरु पांचाल काशी कौशल सूरसेन चेदी वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। अगर मध्य पाषाण युग की बात करें तो विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आगे हम बात करें तो मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पालिस वाला मृतभांड घूसर मृतभांड मंद्रवण आदि भी अतरंजी खेड़ा राजघाट कौशाम्बी और शौक से मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर नगर संत कबीर जिले में स्थित लघुरा देव जब
बाहर से आए उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु तथा सात नदी द्वारा सिंचित प्रदेश की बस्तियां बनाई थी। ये मोस्ट आईएमपी है, ये आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है, एकदम सीधा सीधा लाइव, एकदम लिख लीजिएगा, लाइव पढ़ रहे हैं आप। ये वीडियो लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। प्रारंभ में कुछ घरानों के नाम इस प्रकार थे, पुरु, तुरुवस, यदु, अनु, द्रुहत, ये पांच घराने पंचजन कहलाए हैं। ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे, कौशल और विधेय पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि के आकर्षित किया। यही उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक का केंद्र बना। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल अवध राज थे। वैदिक काल में से महर्षि ब्रह्मिषि देश के नाम से जाना जाता था। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरियाणा, शिशुनाग और नंद वंश का राज्य रहा। ईस्वी पूर्वी छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश दो नए धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मखली पुत्र गोशाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों को देशता 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वशाद वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफी थी। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कूट वाले सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम बात करें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्ययुग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म अस्थियां आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 ईसा पूर्व की आयु में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। श्रावस्ती जिले की सीमा कितने जिले की सीमा को स्पर्श करती है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने मानचित्र का परिचय आप लोग को पढ़ाया है और उसके आधार पर आप लोग को ये जवाब देना है और इसका उत्तर भी बताते चलने हैं। टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, और फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलेगा। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपके लिंक है, या आपका टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब पर, फेसबुक है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में और राष्ट्रहित में है, जहाँ से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए इन सभी तथ्यों को लाना, जहाँ से परीक्षा में बड़ा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको जो पूरी टॉपिक था यूपी स्पेशल की शॉर्ट में समझ में आया। ये पूरी थ्योरी की सीरीज डे बाय डे आपके लिए चलती रहेगी। आप सभी लोग इस सीरीज में जुड़े रहेगा, इस सेशन में जुड़े रहेगा, और हम मानचित्र के आधार पर आपके लिए डेली एक तरह का सेशन लेकर आते रहेंगे, ताकि आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।